इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर में आई भक्तों की भीड़ को ठीक से मैनेज नहीं कर पाने की वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े अफसरों से नाराज है। मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंची कि भीड़ को ठीक तरीके से नहीं संभालने की वजह से कई बार श्रद्धालुओं को थोड़ी असुविधा हुई। सब कुछ जानने के लिए बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। श्रद्धालुओं को असुविधा होने के पश्चात योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन के बड़े अफसरों से खुद अयोध्या जाकर राम मंदिर में क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट को देखने को कहा। इस वक्त यूपी के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार खुद राम मंदिर में मौजूद हैं और सारी व्यवस्थाओं को खुद देख रहे हैं। आखिरकार इतनी अव्यवस्था की क्या वजह रही, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं? क्या पुलिस ने पहले से प्लानिंग नहीं की थी? और इस वक्त क्या योगी आदित्यनाथ खुद भी अयोध्या में और कहां पर मौजूद है, और क्या वह खुद भी पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जो परिसर है उसके पास से 2-3 चक्कर लगाए हैं, और समूची अयोध्या में इस समय कितना क्राउड आ रहा है, कितने राम भक्त आ रहे हैं, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। चूंकि अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब पहुंच चुके हैं। अभी तक 3 से लेकर 5 लाख तक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं, और अभी भी अयोध्या में लाइनों में श्रद्धालु लगे हुए हैं। दूर दराज से लोग पैदल चल के चले आ रहे हैं। यही वजह है कि अफसरों को और पुलिस ऑफिसर्स को क्राउड को कंट्रोल करने में, उसको मैनेज करने में निश्चित तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार हल्की फुल्की भगदड़ जैसी स्थिति भी सामने आई है। हालांकि पुलिस ने और आरएफ ने जो मौके पर तैनात थी उसको कंट्रोल कर लिया। जब यह तस्वीरें, यह जानकारी मुख्यमंत्री को लखनऊ में मिली तो उन्होंने लखनऊ के सीनियर्स ऑफिसर से नाराजगी जाहिर की और सीनियर ऑफिसर्स को और तुरंत ही अयोध्या के लिए रवाना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप राम मंदिर में जाइए और लोगों को जल्द से जल्द रामलला के सुगम दर्शन की व्यवस्था करवाइए, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इन सारी बातों को इंश्योर कीजिए। यही वजह है कि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, ये दोनों अफसर सीधे लखनऊ से अयोध्या पहुंचते हैं, रामलला के मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए खुद जो पुलिस ऑफिसर वहां मौके पर खड़े हुए हैं, चाहे एसएसपी अयोध्या हो, मंडलायुक्त अयोध्या हो, डीएम अयोध्या हो या फिर कोई भी बड़ा सीनियर ऑफिसर्स हो, सभी लोग मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको को कम से कम दिक्कत हो। और यही वजह है कि इन सारी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद अब से लगभग 15 मिनट पहले अयोध्या पहुंच चुके हैं और सीनियर ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं। विशाल क्राउड मैनेजमेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है, और यही वजह कि योगी आदित्यनाथ ने अब पुलिस ऑफिसर्स को सख्त निर्देश दे दिए हैं। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। फिर से मिलेंगे सनातन धर्म से जुड़ी खबरों के साथ।